हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रेलवे ट्रेन इंफॉर्मेशन जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजरत निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। इसके टाइम टेबल्स के हॉल्स के फेयर्स के और डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी शेयर करना ना भूला करें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगे, आप पर कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12060 हजरत निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, अगर इसके ट्रैवल टाइमिंग की अगर बात करें तो एक ट्रेन 6 घंटे 45 मिनट का समय लेती है 458 किलोमीटर की दूरी अपनी कवर करने में। इसके बीच में इस ट्रेन के 8 होल्ट्स पड़ते हैं। इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो है 68 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों, ये एक जनशताब्दी टाइप ट्रेन है। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा देख रेख की जाती है। दोस्तों, ये जो ट्रेन है हफ्तों के सातों के सातों दिन हजरत निजामुद्दीन से कोटा के लिए रवाना होती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो पहले जो कोच थे वो ICF टाइप से, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये इस ट्रेन के सारे कोच LHB कर दिए गए हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इस ट्रेन को 11 नवंबर 2002 को चलाया गया था। इस ट्रेन में नॉर्मल चेयर कार और AC चेयर कार के कोच होते हैं, जिसका फेयर है नॉर्मल चेयर कार का जो नॉन AC होता है उसका 190 रुपये है हजरत निजामुद्दीन से कोटा जंक्शन तक का। दोस्तों, AC चेयर कार का जो फेयर है वो है 670 रुपये हजरत निजामुद्दीन से कोटा तक का। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के अगर हम लोग टाइम टेबल की बात करें तो ये ट्रेन हफ्ते के सातों के सातों दिन हजरत निजामुद्दीन से 1:15 पर दोपहर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना होती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बल्लभगढ़। यहाँ पे ये ट्रेन दोपहर के 1:38 पर पहुँचती है और 1:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पे ये ट्रेन 28 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन में यह ट्रेन शाम के 3:15 पर पहुँचती है और 3:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पे ये ट्रेन 134 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दूसरे ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है भरतपुर जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन शाम के 3:46 पर पहुँचती है और 3:48 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पे ये ट्रेन 168 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है ब्याना जंक्शन। यहाँ पे ये ट्रेन शाम के 4:15 पर पहुँचती है और 4:16 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। यहाँ पे ये ट्रेन 210 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है हिंडौन सिटी। यहाँ पे ट्रेन शाम के 4:39 पर पहुँचती है और 4:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। यहाँ पे ट्रेन 242 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है श्री महावीर जी। यहाँ पे ये ट्रेन शाम के 4:50 पर पहुँचती है और 4:51 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। यहाँ पे ये ट्रेन 252 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है गंगापुर सिटी। यहाँ पे ये ट्रेन शाम के 5:18 पर पहुँचती है और 5:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पे ये ट्रेन 286 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो सेकंड लास्ट स्टॉपेज होता है वो होता है सवाई माधोपुर जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन शाम के 6:02 पर पहुँचती है और 6:07 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पे ट्रेन 350 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। यहाँ अगला स्टॉपेज जो होता है इस ट्रेन का लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, वो होता है कोटा जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन रात के 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँच जाती है। यहाँ पे ट्रेन 458 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। यहाँ पे ये ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से ये ट्रेन आगे नहीं जाती। इस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से यहाँ तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पुल करता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।